सो हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक्स हुआ। दोस्तों, अगर आप पर भी इंडिया पोस्ट से आर्टिकल नंबर का एसएमएस आया है और आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, तो ये एसएमएस हमको क्यों आया है और हम कैसे जानें कि हम पर क्या चीज़ आ रहा है, किसी और ने हमको क्या भेजा है, हम कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अलग अलग यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आर्टिकल नंबर वाला एसएमएस है इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इसको आपको दोस्तों नोटपैड में डाल देना है। नोटपैड में डालने के बाद जो भी आर्टिकल नंबर एसएमएस आया है उस आर्टिकल नंबर को आप कॉपी कर लोगे और थोड़ा उसको बाहर निकाल लोगे। और ये जो वेबसाइट उन्होंने पहले से दिया है हमको इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट डॉट इन, तो इसी वेबसाइट पर हमको जाना है। और आप दोस्तों कैसे ट्रैक करोगे ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, बाद में आपको ये भी बता रहा हूँ कौन सा चीज़ आ रहा है आप पे। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे उसी यूआरएल पे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ कॉपी किया आर्टिकल नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमको पूछ रहा है, 3 और 3 कितना होता है, तो 6 होता है। और आपको यहाँ पे ट्रैक नाउ पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ आपके एड्रेस पे आने वाला है वो कहाँ पर पहुँचा है उसकी जानकारी दोस्तों आप ले सकते हैं और कब वो आपके घर पे आने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आउटपुट डिलीवरी दिखा रहा है तो उसी दिन वो आपके घर पर आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है, आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है तो क्या आपके घर पे आ रहा है, कौन सी चीज़ आ रही है, कैसे जानेंगे और किसने आपको भेजा है, ये भी कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपको किसी रिश्तेदार ने या फिर आपके फ्रेंड ने कुछ भेजा हो और आपको बताया ना हो कि उसने कुछ आपको भेजा है, तब भी आपको दोस्तों इस तरह का एसएमएस आ सकता है। वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि कोई भी बंदा किसी को पोस्ट भेज रहा हो किसी पोस्ट ऑफिस से, तो उसने लिफाफे में गलत नंबर डाल दिया हो, आपका नंबर डाल दिया हो उसने, या फिर जो पोस्ट ऑफिस वाला जो बंदा है जो सिस्टम में डाल रहा है डिटेल्स, तो गलती से उसने कंप्यूटर की सिस्टम में गलती से कुछ गलत नंबर डाल दिया, मतलब आपका नंबर डाल दिया, तब भी आपको उस तरह का दोस्तों एसएमएस मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि कुछ कंपनियाँ आपको एसएमएस भेज सकती है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 4 एग्जांपल दूंगा जिसको दोस्तों सुन के आप समझ पाओगे आप पर क्यों इस तरह के एसएमएस आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई इंश्योरेंस लेके रखा हो किसी भी चीज़ का और उसका डेट नज़दीक आ चुका है रिन्यू करवाने का, या फिर आपने उसको रिन्यू नहीं कराया और 1-2 महीना हो गया, तो कंपनी दोस्तों आपको एक पोस्ट भेजेगा याद दिलाने के लिए जिसमें लिखा होगा कि भाई रिन्यू करवा दो, ऐसा कुछ, तो इसके लिए भी आपको आ सकता है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर ये होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल ना भरा हो 1-2 महीने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो ऑफिस होगा वो लोग आपको एक नोटिस भेज सकते हैं कि भाई भर दो वरना कोर्ट में बात होगी, ऐसा कुछ। और तीसरा एग्जांपल ये हो सकता है, लोन चल रहा हो और ईएमआई नहीं भरा आपने, तो वो भी आपको नोटिस भेज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथा एग्जांपल ये है, एक बंदे का मैंने पीएफ में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन मैंने डाला था, तो पीएफ ऑफिस वालों ने क्या किया, उसके घर पे पोस्ट भेज दिया और पोस्ट में ये लिखा था कि भाई गांव का जो तलाटी है उसके पास से लिखवाओ कि तुम्हारा यही बर्थडे है तभी हम पीएफ में करेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस तरह किसी भी डिपार्टमेंट से या फिर किसी भी कंपनी से आपको पोस्ट आ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है, और ट्रैकिंग नंबर आपको दोस्तों इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी वो चीज़ घर पे आ रही है आपको पता चलेगा क्या आ रहा है और किसने भेजा है, वो भी दोस्तों तभी पता चलेगा। लेकिन दोस्तों पांचवी चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि आपको फ्रॉड करने वाले लोग भी भेज सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा संभल कर कब रहना है ये चीज़ मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि फ्रॉड करने वाले अगर आपको कागज़ में अंदर से कागज़ निकलेगा पोस्ट में से, शायद ऐसा लिखा हो कि 5 लाख की तुम्हारी लॉटरी लग गई और 5 लाख आपको मिलने के लिए कुछ प्रोसेस करना होगा हमें, और उसके लिए 5,000 का आपको पैसा देना होगा, 5,000 उनको। तो ऐसे दोस्तों आपको किसी को पैसा नहीं देना है अगर ऐसे किसी भी टाइप की पोस्ट आती है जिसमें आपको सामने पैसा देना हो उनको। और बैंक दोस्तों हमको कभी भी हमारे पर्सनल डिटेल मांगने के लिए पोस्ट नहीं भेजता है,
तो कोई भी अगर फ्रॉड करने वाला ऐसा भेजे कि भाई अपना एटीएम का नंबर भेज दो, ये काम करना है, हम आपकी ब्रांच का मैनेजर बोल रहा हूँ, कुछ भी, तो आपको दोस्तों ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप चाहो तो एक बार अपनी ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर से बात कर पाओगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुछ भी आ सकता है आप पर, लेकिन डरने की बात नहीं है भाई। कुछ भी आएगा तो आपका पैसा थोड़ी कट जाएगा बैंक से, आप फोकट का टेंशन ले रहे हो। कुछ भी आएगा वो भी फ्री में आएगा, आपको पैसे भी नहीं देने हैं। पोस्टमैन आपके घर पे देके चला जाएगा, आपको उसको खोलना है, और खोलोगे तब पता चलेगा कि क्या आया है। तो बस यार एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको क्या चीज़ है, और पता करना चाहो तो पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ आ रही है और किसने भेजा है, वो भी नहीं पता चलेगा। जब आपके घर पे आएगा, आप खोलोगे, आपको तभी पता चलेगा किसने भेजा है और क्या भेजा है। तो सस्पेंस आप थोड़ा सा अपना बरकरार रखिए, और टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं भाई, पोस्टमैन देके जाएगा फ्री में, आपको एक भी रुपया नहीं देना है। तो बस खोल के देख लीजिए ना भाई क्या आ रहा है, और आप चाहते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे पहुँची है जो आप पर आ रही हैं, तो आप ट्रैकिंग डिटेल्स में जाके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और भाई टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, बिंदास अपना काम करो। आप जिस भी दिन ट्रैकिंग में आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा हो, तो उस दिन आप घर पर रहो ना रहो कोई दिक्कत की बात नहीं, पोस्टमैन आपके घर वालों को भी देके वो चीज़ जा सकता है। तो बस भाई इतनी ही बात थी यहाँ पे दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एक वीडियो मैंने पहले डाला था, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई किसने भेजा, ये कैसे पता करेंगे, क्या आ रहा है वो कैसे पता करेंगे, इसलिए मुझको ये दूसरा वीडियो दोस्तों अपडेट करना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आ सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।